नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी। साथियों, जीवन को हमने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है। कई लोग मुझसे पूछते हैं सफलता का रहस्य क्या है, कई लोग मुझसे पूछते हैं आप यहां तक कैसे पहुंच गए, कुछ लोग पूछते हैं अंबानी जी क्यों है, कोई पूछता है वॉरेन बुफे क्यों है। सब लोगों के अलग अलग सवाल है। तो क्या सफलता इतनी कॉम्प्लिकेटेड है या सफलता बहुत सिंपल है? साथियों, आप अचरज करेंगे, जो हमारा सबसे लोकप्रिय प्रोग्राम है बिजनेस गुरुकुल, उसमें अक्सर हम लोगों से एक सवाल करते हैं। हम उनसे कहते हैं एक काम करो, 5 ऐसी क्वालिटीज लिखो जो इंसान के सफल होने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि यदि 40-50 लोगों की बैच है और पूरे 40-50 लोग जब इसका उत्तर लिखते हैं तो ऑलमोस्ट 5 में से 2-3 सब में कॉमन रहते हैं। और आज तक किसी ने कोई सीक्रेट उत्तर नहीं दिया। सारे के सारे लोगों ने हार्डवर्क, पैशन, कमिटमेंट, टाइम मैनेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी, इंटेग्रिटी, लर्निंग एटीट्यूड, यानी यदि हम 10-12-15 पॉइंट लिख दें तो पूरी दुनिया में US से लेकर इंडिया तक और जापान से लेकर चाइना तक सारे सक्सेसफुल लोग उन 10-15 फंडामेंटल्स में आएंगे। तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सबसे पहले सफलता का रहस्य ढूंढना बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे फालतू काम और कुछ नहीं। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है, कल सुबह उठिए और जो पाना है उसके लिए डट जाइए। सबसे पहला रूल, इफ यू डोंट गो आफ्टर व्हाट यू वांट, यू विल नेवर हैव इट। यदि आप जो पाना चाहते हैं उसके पीछे आप नहीं जाएंगे, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। जाएंगे तो ये संभावना है कि हो सकता है असफल हो जाए, लेकिन ये भी संभावना है कि हो सकता है सफल हो जाए। कितने लोग जो बिजनेस में निर्णय नहीं लेते, हम उनसे कहते हैं निर्णय नहीं लोगे तो ये निश्चित है कि कुछ नहीं होगा, निर्णय ले लोगे तो कम से कम असफल या सफल कुछ तो हो जाओगे। कुछ नहीं होने से कुछ होना अच्छा है। तो एक बार फिर मैं आपको कह दूं, यदि आप अपने सपनों के लिए नहीं जा रहे हैं, यदि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, यदि आप असफलता से डर रहे हैं, यदि आपने पहले ही बहुत सारे फियर फैक्टर पाल लिए हैं, तो इस बात की पूरी गारंटी है कि वो आपको नहीं मिलेगा। बिकॉज इफ यू डोंट गो फॉर इट, यू विल नेवर हैव इट। रूल नंबर 2, और बहुत ही क्लासिक रूल, इफ यू डोंट आस्क द आंसर विल ऑलवेज बी नो। If you don't ask, the answer will always be no. यदि आप मांगेंगे नहीं, यदि आप व्यक्त नहीं करेंगे, यदि आप किसी से पूछेंगे नहीं, आंसर हमेशा नो रहेगा। आज हम कितनी बार मदद मांगने से घबराते हैं, हम सोचते हैं सामने वाले ने ना बोल दिया तो। हम कितनी बार किसी से सीखने से घबराते हैं, हम सोचते हैं सामने वाले ने ना बोल दिया तो। हम किसी के साथ टीम बनाने से घबराते हैं, हम सोचते हैं सामने वाले ने ना बोल दिया तो। जबकि रिसर्चेस कहती है हर 10 दरवाजे में से 8 दरवाजे हाँ कहते हैं। मैं अक्सर अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में लोगों से कहता हूं, सपोज आपका किसी जैगुआर में बैठ के फोटो खिंचाने का सपना था, कोई बड़ी गाड़ी में बैठ के आपके फोटो खिंचाने का सपना था, और समझ लो वो कार वहां आई और आपने उसको चलाने वाले व्यक्ति से या उसके मालिक से कहा, सर मेरा आजीवन सपना है, मैं इस कार में बैठ के एक बार फोटो खिंचाना चाहता हूं। और मैं लोगों से पूछता हूं क्या संभावना है, 10 लोगों से पूछेंगे तो कितने लोग हाँ कहेंगे? तो उसमें से जो कुछ नकारात्मक लोग होते हैं वो कहते हैं सर 10 के 10 ना कह देंगे, जो सकारात्मक लोग होते हैं वो कहते हैं सर 10 में 10 हाँ कहेंगे, कोई 8 कहता है, कोई 6 कहता है, कोई 4 कहता है। और मैं इसी मीटर से पढ़ता हूं आप दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि यदि आपने ये सोच लिया कि वो ना कहेगा और आपने उससे पूछने, उससे मांगने, इजाजत लेने का अपना प्रयास ही नहीं किया तो ना निश्चित है। मैं लोगों से कहता हूं दुनिया में बड़े से बड़े आदमी की हैसियत ना बोलने से ज्यादा की नहीं होती। मैं मजाक मजाक में लोगों से कहता हूं कि यदि किसी दिन मुकेश अंबानी जी आपको मिल गए और आपने मुकेश अंबानी जी से कह दिया, अंबानी साहब आपका एंटीलिया एक दिन में खरीदूंगा, आपकी 27 माले की इमारत एक दिन में खरीदूंगा, तो मुकेश अंबानी ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे? हंस देंगे, मुस्कुरा देंगे? अरे आपको अपने आप को व्यक्त करने से डर क्यों लगता है? दुनिया में किसी भी आदमी की मैक्सिमम हैसियत क्या है, संसार में किसी भी आदमी की मैक्सिमम हैसियत क्या है? ना बोलने की है ना।
या ज्यादा से ज्यादा ये सोचेगा बड़ा पागल आदमी है, जुनूनी आदमी है, कुछ भी बोलता है। ना बोलने से ज्यादा संसार में किसी की भी हैसियत नहीं है, और ये ना शब्द से क्या फर्क पड़ता है। तो यदि आपने कुछ लोगों से कोई कोऑपरेशन मांग लिया, कोई सपोर्ट मांग लिया, कोई टेक्नोलॉजी मांग ली, कोई हेल्प मांग ली, कुछ भी मांग लिया, ज्यादा से ज्यादा ना बोल सकता है। और दो तीन ना के बाद यदि हां हो गया तो क्या आपको लगता है धीरू भाई अंबानी जब सफल हुए होंगे तो सफलता के शिखर पर पहुंचते पहुंचते उनको किसी ने नाम नहीं बोला होगा? क्या आपको लगता है कि बिल गेट्स जब सफल हुए होंगे तो शिखर पर पहुंचते पहुंचते किसी ने नाम नहीं बोला होगा? दुनिया के तमाम जितने भी बड़े उद्योगपति जिनके हम नाम सुनते हैं बचपन से, क्या उनको सब लोगों ने हां बोला है? यदि आप समझते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। जितने भी लोगों की सफलता की गाथाएं हैं उसमें असफलता की बहुत सारी परतें हैं। तो किसी ने आपको ना बोल दिया तो आपके साथ कोई बहुत बड़ा अत्याचार नहीं हो गया। दो चार लोगों ने भी ना बोल दिया तो भी आपके साथ कोई बहुत बड़ा अत्याचार नहीं हो गया। बल्कि यह समझना जिसके भी खाते में ज्यादा ना है उसी के खाते में हां आएंगे, क्योंकि वो कम से कम प्रयास कर रहा है। तो ना के डर से प्रयास मत रोको, मजे से ना सुनो, ना सुनने की आदत लग जाएगी तो हां सुनने के रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। साथियों, आज मैं आपको बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं। यह सोच जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, यह एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम का अर्थ सोचने का एक तरीका, जीने का एक तरीका। यही जीने का तरीका हमारे बिजनेस गुरुकुल और बिजनेस ऑडिट वीआईपी जैसे प्रोग्राम्स में सैकड़ों लोगों के अंदर हम भरते हैं, उनकी नस नस में, रोम रोम में डालते हैं, ताकि वो कभी प्रयास करने से ना हिचकें, वो बड़े सपने देखने से ना हिचकें, वो अपने सपनों के पीछे जाने से ना हिचकें। और लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लोग उल्टा बोल रहे हैं, लोग टेढ़ा बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं नहीं कर पाएगा, कोई चीज से ना हिचकें। मैं आपको बता रहा हूं, बुरा मत मानना रॉ भाषा का, लोग गिरगिट होते हैं, गिरगिट रंग बदलने वाले। यदि आप सफल हो गए तो वो कहेंगे हम तो जानते थे एक दिन ये सफल होगा। और यदि आप असफल हो गए तो वो कहेंगे पहले से दिख रहे थे लक्षण। तो जब वो आपके परिणाम देने के बाद निर्णय करेंगे तो आप उनको अपने जीवन में महत्व क्यों देते हैं? आप हमारी दुनिया में आइए, हमारे इकोसिस्टम्स में आइए, हमारे प्रोग्राम्स में आइए, वहां बड़े से बड़ा सपना देखिए। एक आदमी आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा, एक आदमी आपसे ये नहीं कहेगा कि नहीं हो सकता, सब ये बताएंगे हाउ इट कैन बी डन, ये कैसे हो सकता है। और इसके लिए यदि आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके राज्य में, आपके नातेदारों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में यदि कोई आपको प्रोत्साहन देने वाला नहीं हो, कोई आपको विजन देने वाला नहीं हो, कोई आपको साथ देने वाला नहीं हो, कोई आपके सपनों का हिस्सेदार नहीं हो, तो मैं डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी अपनी दुनिया में आपका स्वागत करता हूं, जहां हम हर सपने को पंख देंगे। तो ये दो रूल याद रखना, और आज के बाद जो भी पाना चाहते हो उसके लिए जरूर बढ़ना। और ये याद रखना कि यदि आप किसी से कुछ मांगेंगे नहीं तो उत्तर हमेशा नो होगा। यदि ये वीडियो आपको किसी के माध्यम से मिलाओ तो आप उज्ज्वल पाटनी YouTube चैनल को लाइक करें। यदि आपको हमारे बिजनेस ऑडिट और बिजनेस गुरुकुल जैसे प्रोग्राम्स में हिस्सा लेना हो तो दिए गए नंबरों पर कॉल करें। कोई भी बहाना ना बनाएं, आज इसी क्षण यहीं पर अपने सारे वाहनों का त्याग करें और अपने सपनों की ओर आगे बढ़ें। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूं, मैं तैयार।